आप सभी का स्वागत है हमारे नाटक बचपन कुछ कहता है में, प्रेजेंटेड बाय समर्थ थिएटर ग्रुप। आप सभी से अनुरोध है कि खाने पीने का सामान इस्तेमाल ना करें, पिक्चर्स क्लिक करते समय फ्लैश का इस्तेमाल ना करें। आप सभी की सीट्स पर एक फीडबैक फॉर्म रखा गया है, उसमें अपना नाम, नंबर और सभी डिटेल्स फिल करके अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि अपने फोन्स को साइलेंट पर रखिए। बचपन कुछ कहता है नाटक का नाम है और हम लोग बात करेंगे बचपन ऐसा क्या है कि ऐसे कुछ कहता है, आखिर क्या है बचपन। तो हम लोग बचपन में कुछ डिफरेंस होगी उसको नाटक के फॉर्म में डाला गया। इसके 3 सेकंड बाद आप पर क्या आ जाएगी लाइव। तो जैसे ही टीचर का डायलॉग खत्म हुआ आप अपने अंदर काउंट करना है, ठीक है। और काउंट के कितनी काउंट करनी है, 1 2 3। और जैसे 3 बोलोगे आप लोग क्या हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। अभी तक फ्रीज थे, माइंड मैंने इसलिए कहा था कि ध्यान से सुनना एक चीज को, क्योंकि स्टेज पे ऐसे हंसना नहीं है जैसे भी हंस रहे। बहुत बढ़िया, हम भी वही करते थे प्रैक्टिकली, लेकिन वो ऑक्यूपाइड भी रहता था ना, क्या बाहर कोई वहीं आके प्रैक्टिस करता। तो बेसिकली क्या रहेगा कि बी द लाइट के लिए आप में तो जो जो लोग मुझे बताएंगे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अपनी कोड, जैसे कुछ को तो मैंने कॉल करके खुद ही पूछ लिया था। तो बी द लाइट भी साथ साथ शुरू करते रहेंगे। बी द लाइट का तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि आपके पास एक लीडर रहेगा पूरे साल भर, एक लीडर रहेगा। तो मतलब एक लीडर को ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाना है या ज्यादा लोगों की हेल्प, सिर्फ एक ही हेल्प करनी है। तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कई बार होती है वॉलंटियर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वॉलंटियर के साथ किस किस्म की प्रॉब्लम आती है, वो डेडिकेशन की बात हो या दूसरी बात हो, क्योंकि अपनी प्रायोरिटीज होती है अपनी लाइफ में। मीटिंग जो हमारा था फर्स्ट 1 जनवरी 2014 को हुआ था, उसके बाद से हमने काम शुरू किया। हमने नुक्कड़ नाटक किया, हम लोगों ने, हम लोग IIT रुड़की भी गए थे बच्चों को लेकर, शक्ति जी, शक्ति, पिंकी वगैरह हम लोग, और हम लोग वहाँ पे फर्स्ट प्राइज भी जीते। मैं कॉलेज में नुक्कड़ नाटक किया करती थी, 3 साल कॉलेज में नुक्कड़ नाटक किए। उसके बाद हम लोगों की टीम का जो लास्ट परफॉर्मेंस था वहाँ संदीप सर जज थे, तो मैं वहाँ उनसे मिली थी। उसके बाद मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे आगे मैं जो भी परस्यू करूँगी उसके साथ थिएटर करना है, तो मैंने सर को कॉन्टैक्ट किया, तो सर ने बहुत वॉर्म्थ के साथ मुझे अपनी टीम में इनवाइट कर लिया। और अब मैं समर्थ का 3 महीने से समर्थ का हिस्सा हूँ। और जब कॉलेज छोड़ा था मैंने, तो क्योंकि मैं कॉलेज में थिएटर किया करती थी तो बहुत ही लाइवली लाइफ थी मेरी तब। तो जब मैं कॉलेज से निकली तो जितना टाइम मैं थिएटर नहीं कर रही थी उस टाइम बहुत खाली खाली हो गया था, बहुत वेकेंट हो गई थी लाइफ। तो समर्थ में आने के बाद वो जो खालीपन है वो भर गया। इनिशियली जब मैं आई थी तो मुझे ऑफकोर्स मुझे संदीप सर के अलावा मैं टीम में किसी को नहीं जानती थी, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पलक झपकने पे दोस्त बन जाते हैं, तो मुझे पता भी नहीं चला कब पूरी टीम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई। तो ये एक बहुत बहुत सुंदर बात है समर्थ की। पर कभी कभी बुरा भी बहुत लगता है, सब मुझे ही क्यों चढ़ाते हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ। हम सबकी कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई। अरे गोलू गोलू आई एम सॉरी, ये ले तेरी पेंटिंग। गोलू आई एम सॉरी, तो बुरा क्यों मानता है, मुझे भी तो सब चिढ़ाते हैं, मैं तो बुरा नहीं मानता। ये टीवी बंद क्यों नहीं कर देते, फिर वही कहानी कैसे एक पति ने अपनी पत्नी को पीटा, शायद उससे भी बुरी तरीके से जैसे बता रही। लेकिन मैं क्यों सुनूं, और भी बहुत सी चीजें हैं करने को। उसके बाद आप फ्रीज हो गए, उसके बाद आप पर से लाइट गई, और लाइट कहाँ जाती है, आप पे 3 सेकंड में लाइट जाएगी। आप बोलिए एक बार आप फिर से करते, ठीक है। अच्छा मुझसे भी बात नहीं करेगी क्या? मैं ठीक हूँ। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर लगता है चारों मैडम के दांत गिर गए हैं। बेटा उनका जवाब तो पापा ने दिया नहीं, पर तुझे क्यों डांटा बेटा? फिर से आपके पास कौन खरीद हो जाता, मैं खरीद हो और नजवा सामने पीछे से अगेन बैकग्राउंड में आवाज़ आता। इस क्यों का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, जितना कहा है उतना करो, लता कहती है। फिर से वो फ्रीज हो जाता, तो मैं किससे बात करता। बेटा तुम नासिर की बेटी के साथ रहते हो, हाँ साथ खाना भी खाते हो। हाँ पापा वो मेरी दोस्त है ना, तो हम साथ खाना भी खाते हैं। ठीक है, पर अब से
ना साथ रहोगे और ना खाना खाओगे। अचानक से क्लास में अंधेरा होता है और क्लास के कई बच्चे ना सब पता है एक नाम चिल्लाते हैं, सब कहते हैं रॉबिन 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 रॉबिन, और एकदम से रॉबिन रॉबिन बोलते ही क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। रॉबिन 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 रॉबिन, क्या कमरा ट्रॉफियों से भरा हुआ है। स्कूल में मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी है। मेरे पापा कहते हैं मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। मेरी माँ कहती है हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। मेरे सारे दोस्त जब देखो मेरी तारीफ करते रहते हैं, पर मैं बास्केटबॉल खेलना ही नहीं चाहता, नहीं बनना चाहता बास्केटबॉल प्लेयर। पर जो मैं चाहता हूँ वो मेरे पापा नहीं चाहते, और जो वो चाहते हैं वो मुझे चाहना पड़ रहा है। मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, एक्टर बनना चाहता हूँ। वैसे भी बचपन से एक्टिंग ही तो करता आया हूँ, खुश रहने की एक्टिंग। पर क्या तब मेरा कमरा ट्रॉफियों से नहीं भरेगा? क्या तब मेरे पापा नहीं कहेंगे कि मुझे मेरे बेटे पे गर्व है? क्या तब माँ नहीं कहेगी कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा? गुजरा तीन मेली नहीं तापी थे, पन्ने भी पाल दिए थे। बोलू बहुत धंधा है, मैं उत्ती जीता है अपने पापा से तलूंदा। हाँ मैं उत्ती जीता है अपने पापा से तलूल तलूंदा। जाने कब हो टोपे दिल ले रख दिए दिल की बातें, समझा नहीं ये दिल। ओए अकेले अकेले यार, भैया प्लीज मत टोका करो। भी तो समर्थ में आ गए, समर्थ में आने से पहले हम बस हम विजुअल इम्पैक्ट से शादी करते थे, लेकिन अब हम तो विजुअल इम्पैक्ट नहीं है, साइटेड है, उनके साथ भी जुड़े हैं। इससे हमें एक्शन, हमारे एक्शन में काफ़ी सुधार हुआ है इसकी वजह से। वैसे मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, मैंने एक्चुअल में स्कूल में थिएटर ग्रुप था, तो हमने जगह वाला बाग में प्ले किया था और उनको भी प्ले किया था हमने, और कई और जगह प्लेस कर रखा मैंने। तो हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा यहाँ पे अच्छी से कॉपरेशन मिली है और जगहों से ज़्यादा, और यहाँ पे अच्छे फ्रेंड्स भी बने हैं, प्लेन कर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अच्छा लग रहा है। और वो चार थी 2014 सोमवार की शाम सुहानी, बड़ी मस्तानी आंखों में फोटो, हाँ फोटो मेरी यार की। डेट वो चार थी 2014 सोमवार की, डेट चार डे सोमवार, टुगेदर हम दोनों यार, हरी भरी खासों में आया बाहर दिल से प्यार। वाओ क्या था दिन सुहाना और क्या थी मस्तानी शाम, गौरव सिंह के भी दिल से बाहर आए कुछ अरमान। वो मुस्कुराई फिर मैं मुस्कुराया, मैंने किया जब रैप, उसने ठुमका लगाया फिर हुआ आगे जो मुझे समझ ना आया। हार्ट बीट हुई फास्ट, साउंड ऐसा बाहर आया। शाम तो हसीन थी पर वो भी थी हसीन, कैसे बदलाऊं यारो हुए क्या क्या सीन। फिगर है उसका जैसे तलवार, उम्र है यारो उसकी स्वीट 16, यारो स्वीट 16, यारो स्वीट 16। उसने आंखों से पिलाया मुझे जाम, फिर ना सका मैं कर कोई काम। मदहोशी के आलम में बीत गया दिन और ढल गई शाम। यारों ऐसा होना ही था, मस्ताना वो मौसम बीता, मंडे की वो शाम सुहानी, पता चला ना वक्त जो बीता। क्योंकि डेट वो चार थी 2014 सोमवार की शाम सुहानी, बड़ी मस्तानी आंखों में फोटो, हाँ फोटो मेरी यार की। डेट वो चार थी 2014 सोमवार की। शक्ति इज अ वेरी, मतलब शक्ति इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड टू मी, जैसा उसने पहले बोल दिया, थोड़ा हिंदी बोलने ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, शी इज एन आइकॉन, शी इज माया। मैं ये कहते कहीं भी किसी भी समय इसी के साथ चले जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ, तो मतलब लगता है कि हाँ अब तो कहीं भी हम अपने हॉल अपने फ्रेंड सर्कल में जो सबसे बड़े विलेन रह सकते हैं।
और इसकी कमी ये है कि इसको अपने टैलेंट की पहचान नहीं, इसमें बहुत आर्ट है, बहुत टैलेंट, शी इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, लेकिन उसको कुछ नहीं वैसे हम लोग को समर्थ में आए में 3 इयर्स हो चुका है। हम लोग का फर्स्ट समर्थ जर्नी था जनवरी में, हम लोगों ने शुरू किया था। बात तो हम लोग की पहले भी हो गई थी समर्थ में, बट उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने स्टडीज पे कंसंट्रेट किया था और हम लोगों ने थिएटर के लिए हम लोगों ने काम करना 2013 के बाद शुरू किया। आपने समर्थ जब स्टार्ट करा तो समर्थ नाम ही क्यों सोचा? सवाल में उनको बहुत अच्छा है क्योंकि किसी भी चीज़ को नाम देना, और जैसे मैंने बताया कि समर्थ को नाम के साथ शुरू करने से पहले मैं बहुत सालों से इन बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में था और इन बच्चों के साथ काम कर रहा था, लेकिन तब नाम नहीं था, सिर्फ एक विचार था कि इन बच्चों के साथ क्यों ना हम ऐसा एक ऐसा माहौल तैयार किए मेरे जहाँ पे आर्ट जिंदा रहे, आर्ट एक अलग तरीके से। जब इन लोगों के साथ मैंने जैसा बताया था कि मैं एक दोस्त की तरह जुड़ा, और जब मैं इनका दोस्त बन गया तो मुझे कैटेगरी थी खत्म होती थी, और कहने के बिना मैंने महसूस किया कि इन बच्चों के लिए जो हम लोगों ने एक प्रस्पेक्टिव बना रखा ना, वो सब बेकार है, उसको आपको आप उसको हटा दीजिए। अगर अभी आप ये समझते हैं कि इन बच्चों को छड़ी की ज़रूरत है या इन बच्चों को आपको सहारे की ज़रूरत है, इन बच्चों को जब भी हम लोग ब्लाइंड बच्चों की बात सुनते हैं ना, या उनसे जो ब्लाइंड है अच्छा आप कैसे कर सकते हो, तो इनके साथ रहकर मुझे लगा कि सब बेकार है। आप यकीन मानिए कि इनके साथ ऐसे ऐसे विषयों पर बात होती है, जैसे हम लोग एक 18 साल का बच्चा जो नया नया अभी जवान हुआ है वो जैसी बातें करता है, ये लोग भी ऐसी बातें करते हैं, ये लोग इनकी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, ये लोग भी लड़ते हैं, ये लोग भी रिलेशनशिप में रहते हैं, पूरी दुनिया पूरी तरह सेम है, पर हम लोगों ने कैटेगरी बना दी कि अच्छा आप ब्लाइंड हो, ब्लाइंड हो मतलब आपकी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है। देखो रंग हमें दिखते हैं वो अलग चीज़ है, इनके लिए अपने रंग, ये हर चीज़ को महसूस करते हैं, आप इनको छूओगे तो इनको भी स्पर्श महसूस हो, ऐसा नहीं कि मतलब सब ब्लाइंड है तो कुछ नहीं होता। तो जब ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो तब मुझे लगा कि यार ये बच्चे, इनको बोला जाता है कि आप ब्लाइंड हो नहीं, ये लोग समर्थ, ये कुछ भी कर सकते यार, क्या पीपल बस एक मौके की ज़रूरत है, और समर्थ बना ही वैसे, क्योंकि मेरा मानना था कि हमारी ज़िंदगी में मैं जितने लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मुझसे पूछूं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ये वीडियो देखने शायद आप कुछ और ही कर रहे हैं, शायद आप में से कोई आर्टिस्ट बनना चाहता था, आप में से शायद कोई पेंटर बनना चाहता था, लेकिन शायद आप कुछ और काम कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन शायद कुछ और करना पड़ रहा है, उसके पीछे मजबूरियाँ हो सकती हैं, उसके पीछे सही वक्त हो सकता है, उसके पीछे कोई और समस्याएँ हो सकती हैं, तो ऐसे में एक सवाल आता है कि इन सबको दूर कैसे किया जाए, तो जवाब मुझे एक ही मिला, मौके। अगर सबको बराबरी के मौके दिए जाए तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो यानी मैंने सोचा कि एक मौके की ज़रूरत है, तो समर्थ वहाँ से पैदा हुआ, ये लोग समर्थ हैं, और समर्थ वो जगह जहाँ पे इनको एक मौका दिया जाए, एक इक्वल मौका, और सिर्फ ब्लाइंड बच्चों को मौका नहीं दिया जाए, उन सभी वॉलंटियर्स को मौका दिया जाए जो कहीं ना कहीं थिएटर करना चाहते लेकिन थिएटर कर नहीं पा रहे, उन सभी दिल्ली यूनिवर्सिटीज के एक्टर या और दूसरे लोगों को जो कहीं ना कहीं थिएटर करना चाहते हैं, उनका थिएटर या एक्टिंग वो लोग नहीं कर पा रहे या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, समर्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इक्वालिटी की बात करता है, जो इक्वालिटी आपको दिखाता है मंच पर, और समर्थ वो है जो आपको बताने की कोशिश करता है कि क्या कहते हैं कि अगर किसी को मौके दिए जाए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिलता, तो अगर आपको मौके मिलेंगे तो आप सब समझ लो।